तो हेलो भाई, मैं हूँ लक्ष्य शोरान। ये है टोयोटा फॉर्चुनर 2014 मॉडल है ये। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा फॉर्चुनर के कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है 2014 के। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सबके पास शेयर कर दें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से इसके। तो जो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी लुक, जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी लुक है इसकी गाड़ी की। तो जो सबसे पहला है वो है इसकी लुक, और जो दूसरा है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही होगा कि टोयोटा की बहुत अच्छी होती है। तो जो दूसरा है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, बहुत अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। और तीसरी जो चीज़ है वो है इसकी हेडलाइट का थ्रो। इसमें मिल जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर, और यहाँ पे मिल जाते हैं हेलोजन बल्ब, और साइड में इंडिकेटर मिल जाते हैं, और नीचे भी फोग लैंप में भी आपको मिल जाते हैं हेलोजन बल्ब। तो जो लाइट का थ्रो है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसी कुछ लुक है इसकी कार की लाइट की रात को फॉर्चुनर की। जो आपको ये प्रोजेक्टर दिख रहा है ये वाइट जलता है, और जो ये हेलोजन है ये जलती है येल्लो। तो कुछ ऐसी इसकी लुक है। तो मैं अभी आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसा आपको दिखता है आगे। तो आपको कुछ ऐसी अच्छी खासी लाइट दिख जाती है, और जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोजेक्टर वो अभी काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत आ गई है उसमें, तो इसलिए नहीं तोड़ तेज हो जाती इसकी। तो कुछ ऐसी इसकी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है थ्रो इनका लाइट का। प्रोजेक्टर अगर वो चलता होता तो और अच्छी होती का थ्रो, जो कि बहुत अच्छा है। इन्होंने प्रोजेक्टर दिए हुए ऊपर, तो लाइट का थ्रो आपको पता ही है फॉर्चुनर का बहुत अच्छा होता है। तो तीसरा है वो है इसकी हेडलाइट का थ्रो। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से मेरे को क्या चीज़ इसकी अच्छी लगी है। तो इसमें मेरे को जो अंदर से अच्छी लगी है इसकी चीज़ वो है इसमें कि इन्होंने ड्राइवर साइड वाली ये एडजस्टेबल दी हुई है, जो वो ऑटोमेटिक दी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिक से कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक दी हुई है ये। आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो मेरे को इसके जो पॉजिटिव पॉइंट लगते हैं वो चार ही हैं जो मेरे को लगते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट। और जो आपको सबको पता होगा कि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, लाइट का थ्रो भी अच्छा है, और लुक तो है ही, और जो इलेक्ट्रिक वाला है ये मेरे को फीचर अच्छा लगा कि 2014 में भी टोयोटा ने इलेक्ट्रिक दी हुआ है इसमें ये। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव पॉइंट से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एक यहाँ पे ये वॉशर भी आता है, जो कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव मतलब फीचर है ये। तो यहाँ पे भी इसमें ये वॉशर आता है हेडलाइट वॉशर, और इस वाली साइड भी इसमें वॉशर आता है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी लाइट को ये वॉश कर देता है, यहाँ से पानी निकलता है। तो ये भी एक है। तो इसके टोटल हो गए 5 फीचर जो कि मेरे को अच्छे लगे, आपको बताना भूल गया था ये वॉशर वाला। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी, जैसे आवाज़ जो कैबिन में आती है वो है, मैं आपको दिखाई देता हूँ स्टार्ट करके इसको। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, देखना अभी केबिन में कितनी नॉइस आएगी इसकी स्टार्ट होने की भी। देखो कितनी नॉइस आती है इसकी स्टार्ट होने की। तो ये मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा कि इन्होंने बहुत, मतलब वैसे तो इंजन बहुत बड़ा है तो इतनी तो आती है वैसे, पर थोड़ा सा इन्होंने ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ पे। और इसका एक गियर नॉब भी हिलता रहता है, देखो कितनी वाइब्रेशन। कहीं पे भी हाथ लगाओगे इसके, जैसे स्टीयरिंग व्हील पे भी थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन है। तो ये चीज़ लगी मेरे को। और एक मेरे को जो दूसरा इसका लगा नेगेटिव पॉइंट वो है कि इन्होंने ये ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ, इतनी महंगी गाड़ी में इन्होंने ये ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा ये, जैसे डे एंड नाइट वाला। तो दूसरा मेरे को इसका ये लगा पॉइंट जो नेगेटिव है। और तीसरा जो, मतलब वैसे मेरे को ये तीसरा पॉइंट हर एक गाड़ी में है, वो है इसकी थर्ड रो का स्पेस। तो अभी बाहर चलते हैं, एक बार मैं बताता हूँ। तीसरा है इसका जो थर्ड रो का स्पेस है, बिल्कुल ना मात्र मिलता आपको थर्ड रो में स्पेस। हर एक गाड़ी में ऐसा ही होता है कि थर्ड रो में स्पेस नहीं दिया जाता।
ये है इसका जो मेरे को सेकंड इसका जो वो थर्ड इसका थर्ड जो नेगेटिव पॉइंट लगा है मेरे को इसका फॉर्चुनर का। तो बाकी कोई वैसे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, फॉर्चुनर नाम से बिकती है बिल्कुल, और इंजन की रिलायबिलिटी से बिकती है। इंजन आपका इसका 2 या 3 लाख तक तो कुछ कहेगा ही नहीं, और अगर अच्छे से चलाओगे तो ये 4 या 5 लाख तक भी आराम से चल जाएगा आपका। ये वैसे 1 लाख चलने वाली है, तो अभी तक इसमें कोई वैसे हुआ नहीं, सिर्फ एक क्लच प्लेट का काम होता है, बाकी और कोई आपको वैसे दिक्कत देगी नहीं गाड़ी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यही थे आज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट फॉर्चुनर के। इसमें 3 मैंने आपको बताए हैं नेगेटिव पॉइंट, 4 मैंने आपको बताए हैं, 4 नहीं 5 आपको मैंने बताए हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।